आज मैथ्स का लेक्चर है। इसके बाद में कौन सा लेक्चर होता है? ओके। चालू करना भाई स्ट्रीमिंग तो चालू करना। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था बेटा कल? क्वेश्चन नंबर सिक्स पेज नंबर 79। ऊपर 79 नीचे। एक बार सीधे बैठो। चलो जल्दी से बोलेंगे गुड आफ्टरनून और एक प्यारी सी स्माइल। वाव लवली माई रसगुल्लाज एंड रसगुल्लीज। पार्टनरशिप में पेज नंबर है 11.79 है ना? अरे थाम रे, काड़े करो करे तू। ओके इधर क्वेश्चन नंबर सिक्स है ना? सो एक बार क्वेश्चन देख लेते, एक बार वापस पढ़ ले क्वेश्चन। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप। हाँ मैं तो लेक्चर ले रहा हूं। हाँ तो कोई बात नहीं, उनको जाने दो अभी, वो जाने दो। हाँ मैं पढ़ाऊंगा 100%, और नहीं तो रिकॉर्डेड दूंगा। इसके बाद में चाहिए तो जाके बात कर लूंगा, रिकॉर्डेड देंगे नहीं तो लेक्चर नहीं छोड़ूंगा ये बात है। तो क्या करने का डिसाइड कर ले। मैं जा पाऊंगा ना? कैसे जाऊंगा मैं कैसे जाऊंगा? ये वाला रास्ता ब्लॉक रहेगा, इधर वाला ठीक है। वहाँ से हाँ स्वारगेट से मैं चला जाऊँगा, ठीक है। लगेगा टाइम बट जा तो पाऊँगा ना मैं, इधर नहीं सोऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आओ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, यही वाला ना? देयर बैलेंस शीट वाज एज एन फॉलोज। कैश, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी, प्लांट, ट्रेड पेएबल, बैंक ओडी, कैपिटल, बीज कैपिटल। दे एडमिटेड सी टू परचेस 1/3 ऑफ गुडविल फॉर 2000 एंड प्रोवाइड 10,000 एज कैपिटल, गुडविल नॉट टू अपीयर इन द बुक्स। इसमें अगर कल ध्यान से याद आ गया तो इसमें दो लोग गेनिंग थे, एक सी और एक बी। बी कैश नहीं लेके आ रहा था, सी कैश लेके आ रहा था। तो इसकी एंट्री हमने किया कि कैश बी टू ए, याद आ रही? कैश जितना सी कैश लेके आ रहा है, फिर बी टू ए। अब इसकी एंट्री मॉड्यूल क्या करती है मैं आपको बता देता हूं। मॉड्यूल क्या करती है? कैश टू सीज कैपिटल। तो पहले जो गुडविल आई वो कहां डाल देते? सी के कैपिटल में, और फिर सी के कैपिटल से रिवर्स कर देते। तो फिर एंट्री क्या हो जाती है बेटा जी उस केस में? ए सॉरी बी सी टू ए। देखो मैं तुम्हें दो एंट्रीज लिख के बता दूं मॉड्यूल क्या करती है, तो आपको कभी टेंशन नहीं होगा। हम क्या करते हैं, कैश बी टू ए। मॉड्यूल क्या करती है, पहले एंट्री कैश टू सी, फिर सी बी टू ए। अब सी सी गॉट कैंसल्ड, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या होगी, कैश बी टू ए। समझ में आ रही के बाद में? सो मॉड्यूल पहले उसको रूट करती है कहां से, सी के कैपिटल से। बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सी के कैपिटल में करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो आर वी रेडी? ए सुधांशु मेरे से नहीं हो पाएगा बेटा, मेरे से नहीं हो पाएगा। आप देखो क्या कर सकते हो, आई कांट हेल्प ऑन दैट पार्ट। आगे बढ़ जाए बेटा जी।
अब बेटा जी आगे क्या बोला, फर्दर प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस ऑफ एबीसी आर इक्वल, और हमने इसका क्या किया, ओल्ड माइनस न्यू पीएसआर कर हमने ये भी निकाला। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, 500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट, इन्वेंट्री टू बी टेकन एज 24,940, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश एंड कैपिटल ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी इन द पीएसआर। हमने ये लाइन भी कल हाईलाइट की थी कि इंपॉर्टेंट लाइन है। सेट आउट द एंट्रीज ऑफ द अबव अरेंजमेंट्स इन द फर्म्स जर्नल एंड गिव पार्टनर्स कैपिटल इन द टेबुलर फॉर्म। हमने इसका क्या क्या बोला, हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे और कैश अकाउंट भी बनाएंगे। आर वी नाउ रेडी? सो कल मैंने क्या क्या किया था मैं आपको बता दूं। मैंने पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिया था। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद में सी फर्म्स गुडविल निकाली और फिर उसके बाद में हमने एंट्री भी कर ली थी। क्या कल हमने एम्प्टी द बैलेंस शीट कर ली थी क्या? यस। सो हमने क्या क्या लिख दिया था बेटा जी, कैश कैश अकाउंट में लिख दिया था, फिर ट्रेड रिसीवेबल बेटा जी इनर कॉलम, इन्वेंट्री बेटा जी इनर कॉलम, प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम, ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी साइड में, बैंक ओडी हमने लाइबिलिटी साइड में लिखा, ए कैपिटल और बीज कैपिटल हमने लिख दिया, सी टू परचेस 1/3 फॉर गुडविल। क्या हमने इसकी एंट्री करी क्या? नहीं, ये नहीं करी है। करें? सो बेटा जी हम क्या करेंगे, बाय कैश, याद करो गुडविल की एंट्री थी कैश बी टू ए। सो कैश के डेबिट साइड में कितना क्रेडिट, ए के क्रेडिट साइड में कितना जाएगा 2000, बाय बी याद आ रही है एंट्री कितना था 500 ना, तो हम इधर क्या कर देंगे 2A अकाउंट, B के कॉलम में कितना 500। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, ये इसका तो सेकेंड इफेक्ट चला गया 500 का, किसका बाकी है 2000। सो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे 2A's कैपिटल, बोलो कितना आएगा 2000। टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, शैल वी प्रोसीड नाउ? नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स। सो बेटा जी आ जाइए, प्लांट एंड मशीनरी को हम क्या करेंगे, लेस डाउनवर्ड कितना आ जाएगा बेटा जी 400, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 3600, लेस आरडीडी कितना आ जाएगा बेटा जी 500, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 24,500, एग्रीड? इन्वेंट्री इज टू बी टेकन एट लेस डाउनवर्ड, और अपड़ अपड़ मेरे को 940 दिख गया, शट अपड़ 24,490, तो ये आएगा 24,2940। खुश बेटा, सांस आ रही है, देख ले कहीं मिस तो नहीं हो गई, 24,940। ओके, इसके और क्या है, बस ये एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गई। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहां डाल देंगे, रिवैल्यूएशन। सो आ जाओ रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय इन्वेंट्री 2940 और टू प्लांट एंड मशीनरी, अरे सुधांशु मैंने बोल दिया मेरे से कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है टू प्लांट, तू थोड़ा होशियार ज्यादा है, मैं तेरे जिसका लेवल मेरा मैच नहीं होता है, 400 और टू आरडीडी कितना आएगा 500। आर वी ऑल डन? यस। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स कैन वी नाउ कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, कैन आई नॉट से टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल कितना आएगा बेटा जी ए बी, ओल्ड पार्टनर्स जाएगा 3/4 एंड 2/4, 1/4 ना, डिवाइड बाय 4, ये 510 आएगा, ये 1530 आएगा, सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1530 एंड 510। आर वी ऑल डन? ओके, नाउ डियर रसगुल्लास यहां से अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम करना है, यहां तक हो जाए तो मुझे बता देना।
यहां तक हमने सिर्फ एक चीज करी थी कि एक पार्टनर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, एक पार्टनर गेनिंग था वो कैश लेके आ रहा, एक और सैक्रिफाइसिंग था, एक और गेनिंग था वो गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड। अब मुझे बताओ बेटा सी का कैपिटल कितना है? 10,000। ऐसा जनरली होता है बिजनेस में कि जो सी का है रेशियो उसी रेशियो में बाकी के पार्टनर्स भी अपना कैपिटल रखेंगे। तो सी का 10,000 है, तो सी कौन से शेयर के लिए? ये देखो, सीज शेयर ऑफ कैपिटल 10,000 है क्या, एंड सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 है क्या? सो बेटा जी अब हम बोलेंगे फर्म्स कैपिटल 10,000 इंटू रेसिप्रोकल 3/1 30,000। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अब जरा जाके पढ़ो, उन्होंने बोला है बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी इन पीएसआर। तो हमें कॉमन सेंस वाली चीज क्या करनी है, हमें किसका कैपिटल निकालना है? फर्म का ऑन द बेसिस ऑफ सी। जिसका भी बेस लेकर आपको प्रोपोर्शन में करना है तो उसका कैपिटल ले लो, उसका पीएसआर ले लो, रेसिप्रोकल लेकर क्या कर दो, फर्म का कैपिटल निकाल दो, और इस फर्म के कैपिटल को किसमें बांट दो? न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर क्या? 1:1:1। सो कैन आई नॉट से एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल? से यस। सो इट विल बी हाउ मच? 30,000 × 1/3। 30,000 × 1/3 कितना आ जाएगा? 10,000 and 10,000। सर ये 1/3 क्यों लिया? फर्म के कैपिटल को पीएसआर में बांट रहा हूं, बेस किसका लिया? सी का। तो बेटा जी दीज आर माय क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हम हमेशा क्या करते थे? बैलेंसिंग फिगर निकालते थे ना। इस बार बैलेंसिंग नहीं करें, वो क्या बोल रहे, किसी एक व्यक्ति का बेस लो। किसका बेस लिया? सी का। सी का बेस निकालकर फर्म का कैपिटल निकाला, फर्म का कैपिटल निकालकर तीनों न्यू पार्टनर का कैपिटल निकाल दिया। एग्रीड? ऐसा बी का भी बेस ले सकते, ऐसा ए का भी बेस ले सकते। जिसका भी बेस लेना है उसका कैपिटल लिखो, पीएसआर लिखो, रेसिप्रोकल लो, फर्म का कैपिटल निकालो और तीनों में बांट दो। लिख लो बेटा, आगे बढ़ जाए। टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, 10,000 and 10,000। एग्रीड? अब क्या होगा पता है क्या, कि हमने ये बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाला था, हमने क्या किया कैलकुलेट करके यहां पे लिखा। जाहिर सी बात है अभी कैपिटल टैली नहीं होगा, तो उधर एक और लाइन लिखी है, देखो बाय विड्रॉइंग कैश और इंट्रोड्यूसिंग कैश, लिखा है कि नहीं लिखा है पढ़ो। बाय विड्रॉइंग कैश और इंट्रोड्यूसिंग कैश द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज मेड प्रोपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सो सी के बेसिस पर इतना कैपिटल होना चाहिए। अब क्या होगा बेटा जी, कैश विड्रॉन बाय पार्टनर, एंट्री एक बार बोल के बताओ, कैश विड्रॉन बाय पार्टनर, नहीं सैक्रिफाइसिंग नहीं, अभी कैश विड्रॉन, नॉट सैक्रिफाइसिंग बोल रहा हूं, कैश विड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। तो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो कैश इज विड्रॉन, कैश इंट्रोड्यूस्ड, एंट्री क्या आएगी? कैश टू कैपिटल। क्रेडिट में आया तो कैश इज इंट्रोड्यूस्ड। अब जरा चेक करो, ए का डेबिट क्रेडिट साइड ज्यादा है, देखो ए का क्रेडिट साइड ज्यादा है, 15,000 + 2,000 + 500 + 1530 कितना है? 19,030। सो टेक्निकली स्पीकिंग हमने ए को बोला कि तेरा कैपिटल ज्यादा है, हमें तो तेरा सिर्फ 10,000 ही चाहिए, क्योंकि सी के बेसिस पर अगर हम सबका एक ही सामान लेके आए तो 10,000 चाहिए। तो राजा बेटा जी ए बोलेगा मेरा एक्सेस कैपिटल मुझे दे दो। यहां पर बैलेंसिंग फिगर ये आया, कितना आएगा? 9,030। तो पहले ये फिगर निकला फिर बैलेंसिंग फिगर निकला, है ना? अच्छा दूसरे वाले बी का क्या आएगा बेटा जी?
सो 10 रुपए आ रहे क्या? सो हम इसको बोलेंगे कि भाई साहब तुम 10 रुपए निकाल कर ले जाओ। सी का कोई बेस नहीं आ रहा है ना, सी का कुछ नहीं आएगा। तो बेटा जी ये कहां पर आया? डेबिट में आया। तो कैश के कौन से साइड में जाएगा? कैश के क्रेडिट साइड में। तो कैश के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे भाई? ये इधर एक दो एंट्रीज मिसिंग है। कौन से? एक ही मिसिंग है। टू सीज कैपिटल कितना है बेटा जी? 10,000 मिसिंग हो गई थी सेकंड इफेक्ट। अच्छा बाय एज कैपिटल कितना आएगा बेटा जी? 9030 और बाय बीज कैपिटल 10। बेटा मुझे एक बात बताओ कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा? 3960 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3960। डज दैट टैली पिलो? अच्छा मुझे बताओ कैश का क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। कम डाउन टू द बैलेंस शीट असेट साइड और लिखो कैश 3960। प्लीज चेक इफ इट टैलीज। ये पार्टनर्स कैपिटल को टैली करो रे इधर, वो तो हो गया ना टैली। ए बी सी 10,000 10,000 10,000 है ना। और ये भी कितना आएगा? 57,000। वह पिल्लू वेरी गुड। बेटा जी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 6 लिख के रख लीजिए रिवाइज बिफोर एग्जाम। और इसमें कौन सी दो एडजस्टमेंट को हाईलाइट करेंगे? एडजस्टमेंट नंबर फोर एंड टू नहीं, वन एंड फोर। वन है ना गुडविल वाली? अच्छा ठीक है, मतलब सेकंड में भी उसका पीएसआर है तो ठीक है। सो वन एंड फोर इंपॉर्टेंट अच्छे एडजस्टमेंट है। ओके नाउ बेटा जी एक क्वेश्चन होमवर्क था, बट टुडे आई हैव टू एक्सप्लेन यू समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट। सो आई विल फर्स्ट गो विथ व्हाट न्यू कॉन्सेप्ट एंड देन विल सी द होमवर्क प्रॉब्लम। कितने बच्चे होमवर्क करके आए? वाओ, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इट। करके आ पाएगा? हो गया टैली हो गया? हाँ वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। तो मैं होमवर्क कल चेक करूँ चलेगा? सो टुमारो विल चेक दी होमवर्क। क्या बेटो? मैं बोल रहा हूँ ना कल कर दूंगा यार। अरे अभी क्या होगा, तेरा सिर्फ गुडविल का मसला है, किसी को पूरा देखना रह गया तो फिर मैं आज कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा। फिर वो आज जैसे क्वेश्चन अधूरा रहा ना, फिर आज और कुछ अधूरी रह जाएगी चीज। समझ में आ रही बात? तो मैं लॉन्गर इफेक्ट की बात कर रहा हूं। मेरे खरबूजो, जस्ट एक ही सेकेंड दो, बेटा यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू पेज नंबर 126। पेज नंबर 126 बेटा, जो एडिशनल बुकलेट है ना, इसके सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, जो मुझे लग रहे हैं कि कराने चाहिए वो करा रहा हूं। एडिशनल बुकलेट इज एडिशनल क्वेश्चन। सर इसके आंसर्स मिलेंगे, आंसर सबके मिल जाएंगे, बट एडिशनल बुकलेट वी आर नॉट गोना सॉल्व इट कंप्लीटली, बट इसकी जो जो जरूरत होगी वो मैं कर लूंगा। सो अभी जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 5 पर आना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन। अभी आपको क्या करना है, देखो इतने सारे सब क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे, तो हमेशा हाईलाइटर साथ में रखना और जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उसको हाईलाइट करके रख देना। तो पहला वाला, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2। मुझे लगता है ये आसान चीज थी। द बैलेंस शीट दी है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बैंक ओडी कैपिटल 44,36।
building furniture stock debtors less RDD investment or cash. C was admitted on the above date और उन्होंने बोला कि he was admitted for 1/6 share and capital 25,000 new PSR दे रखा है, ठीक है। अब C adjustment को highlight करिए। C is unable to bring in cash for the share of goodwill. Partners therefore decide to raise goodwill account in the books of the firm. They further decide to calculate goodwill on the basis of C का share in the profit and capital contribution made by the firm. In the bracket लिखो hidden goodwill. गुडविल का फिगर नहीं बताया, बट सी का जो कैपिटल है उसके बेसिस से क्या कैलकुलेट करिए बोल रही है आपको, गुडविल, हिडन गुडविल। देख लीजिए क्वेश्चन में कहीं पर भी गुडविल दिया है क्या, नहीं। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हिडन गुडविल। गुडविल के कितने तरीके, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्यूटी मेथड तो अभी हुआ नहीं है, और कौन सा है, हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल का, तो ब्रैकेट में लिख के रखो हिडन गुडविल। फर्नीचर टू बी रिटर्न डाउन बाय 870, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, प्रोविजन रिक्वायर्ड 5%, प्रोविजन वुड ऑल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड, इट इज फाउंड दैट अ क्रेडिटर ऑफ 1400 विच इज नॉट टू बी पेड ऑफ, प्रिपेयर द फॉलोइंग। तुमने एक चीज नोटिस करी, मैंने इस एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ा, बाकी के एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 4 और 5 अब आपसे अपेक्षित है कि आप उसको मुझे ट्रीटमेंट बताओगे, जैसे रिवैल्यूएशन का। तो इस क्वेश्चन में किस पर फोकस करना, यू हैव टू ओनली फोकस ऑन व्हाट, गुडविल, हिडन गुडविल। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल। सो हिडन गुडविल लिखेंगे बेटा जी, क्वेश्चन नंबर व्हाट, 5, हिडन गुडविल। सर ये कहां पे करना होगा बेटा जी, वर्किंग नोट में करना होगा। तो पहले क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, और क्या बनेगी, बैलेंस शीट। आशा करता हूं कि पता है, मेजर फोकस जिस पर है वो पहले बना रहा हूं, हिडन गुडविल। अब मुझे बताओ सीज शेयर ऑफ कैपिटल, एक बार देख लो फिर कर देना, सीज शेयर ऑफ कैपिटल। बेटा बताओ कि मुझे सी का शेयर ऑफ कैपिटल कितना है, चल झूठी, 25,000 है एडजस्टमेंट नंबर 1। तुमने क्या बोला, ओके आई एम सो सॉरी, तुमने पूरा डिटेल में बोला। सो 25,000 सीज कैपिटल इज हाउ मच, 25,000 सीज शेयर ऑफ कैपिटल, वेरी गुड, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 1/6, फर्म्स कैपिटल। अब तुम्हें पता है क्या, बच्चे कहां गड़बड़ करते हैं, उनको प्रोपोर्शनेट और हिडन गुडविल में फर्क नहीं समझ में आता। पिछला क्वेश्चन जो था वो भी सेम दिख रहा था, बट वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का था, ये क्वेश्चन किसका है, गुडविल के एडजस्टमेंट करो बोलकर बोला है, चेक करो, तो हिडन गुडविल का। तो कितना है बेटा जी, 25,000 × 6, 1.5 लाख, ओके। अब इसके आगे स्टेप अलग हो जाती है, लेस कैपिटल ऑफ ए बी सी। बेटा रिजर्व कोई नहीं है तो मैं जानबूझकर लिख रहा हूं, रिजर्व रहेगा तो रिजर्व भी लेस होगा, सी न्यू पार्टनर है तो उसका भी लेस होगा। ए का कितना है बेटा जी, 44,000, बी का 36,000, फिर सी का कितना बोले, 25,000। रिजर्व है क्या, नहीं, बताओ मुझे, 44,000 प्लस 36,000 प्लस 25,000, 1,05,000। बेटा जी अब एक काम करो, 150 माइनस 1,05,000 कर दो, सो गुडविल कितनी आई, 45,000। सो कैन आई नॉट से गुडविल इज 45,000, कैन यू पीपल प्लीज राइट इट डाउन, इजी पीजी। चलो आगे करें,
क्या करना पड़ेगा अभी? हाँ जी, नो नो नो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लिखो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हो गया ना बेटा, इधर तक लिखकर, कोई लिख रहा है क्या? योर राइटिंग, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो बेटा। सो ओल्ड रेशियो कौन है? ए बी सी, ओल्ड रेशियो बताओ, 3/5, 2/5, न्यू रेशियो क्या आएगा? 3/6, 2/6, सो हम क्या करेंगे, 3/5 - 3/6, तो बेटा जी 6 3 18 - 15, तो कितना आ जाएगा बेटा जी, 3/30, सिक्स थ्री जा 18, 5 3 15, 18 - 15 = 3, 5 6 = 30, मैं क्यों रो रहा हूं साले, 2/30 और ये आएगा 5/30, ये कौन आएगा, गेनिंग, ये कौन आएगा, सैक्रिफाइसिंग, इसके एंट्री आ जाएगी सी टू ए टू बी, पूरे फॉर्म की गुडविल मिली ना, 45,000 × 5/30, 7,500, 4,500 और 3,000, लिख दिया क्या पांडे जी? चलो अभी फॉर्मेट बनाओ इन द बुक्स ऑफ, पहला क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर कैश, फिर बैलेंस शीट, क्विक। पहला बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, ए बी सी, ए बी सी, फिर क्या बनेगा, कैश अकाउंट, और फिर क्या बन जाएगा, और एक बैलेंस शीट। हो गया, लाइबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस, हो गया क्या पिल्लू? सो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, फिफ्थ। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, एग्जाम में कौन जाने वाला है, तुम जाने वाले हो, गुड, तो किसको स्ट्रांग होना पड़ेगा? अच्छा हिडन गुडविल मैंने कैलकुलेट करके दिखा दी, अच्छा ऐसी और कोई एडजस्टमेंट है जो इसमें नहीं है, नया कोई एडजस्टमेंट है क्या? गुडविल का जो था वो बता दिया, इसके अलावा न्यू एडजस्टमेंट है नहीं है, तो आई होप इसके आगे आप सॉल्व करोगे डायरेक्ट। सर फिर आपने फॉर्मेट क्यों बनाया, ताकि बुक में फॉर्मेट बन जाए, कल जब होमवर्क चेक करेंगे तब मुझे पता चल जाएगा कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं किया, बिना सॉल्व किए आना मत। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 140, अतपा नहीं, अरे बहुत क्या है, अभी एक्सपीरियंस से सीख गया मैं, बच्चे होमवर्क नहीं करके आए ना तो बुक दिखा देते ऐसे ही,
तो फिर क्या है, वो फॉर्मेट खाली दिख गया कि फिर समझ में आता है कि हाँ। और मैं ऐसा बताता भी नहीं, फॉर्मेट बनवा कर रख दूंगा, कभी पापा मम्मी को मत लेके आ जाना मेरे साथ में, क्योंकि पापा मम्मी को लेके आए कि बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, मैं बोलूंगा सिर्फ इतना ही, नोटबुक लेके आ, उसमें पता चल जाएगा। तो तुमको अभी आइडिया नहीं लगेगी कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है कौन सा नहीं है, ठीक है? फॉर्मेट बनते रहेंगे जैसे रेगुलरली बनते रहेंगे, और ऑल ऑफ सडन एवरीथिंग इज चेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सी एग्जाम में आया था? दिसंबर 21। बताओ अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है? तो हमेशा कोशिश करना बेटा, जब भी एग्जाम क्वेश्चन मिले कि आप अपनी तरफ से एनर्जी लगाओ। एक बात और समझ लेना, सीए फाउंडेशन में पूरे भारतवर्ष से जितने भी बच्चे बैठेंगे, लाख बच्चे, 1 लाख, तो 1 लाख के 1 लाख पास नहीं होते, मैक्सिमम पास होंगे 30,000, 30% रिजल्ट लगा तो 70,000 बच्चे फेल होने वाले। तो सोचो फेल होने वाले बच्चे क्या करते हैं, वो होमवर्क नहीं करते, पहली चीज। फेल होने वाले बच्चे क्या करते, होमवर्क नहीं करते, वेट एंड सिट कि हो जाएगा कुछ। कल तुम भगवान बने थे, याद है ना? कल भगवान बने थे ना तुम, तो तुमको मालूम है तुम किसको देने वाले हो। तो उसी एंगल से मैं भी तुमको समझा रहा हूं कि कोशिश करते रहो तो चीजें अपने फेवर में आएगी। अगर कोई चीज पढ़ाई नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी, अगर पढ़ा दिया अब उसके बाद में प्रैक्टिस करानी है तो प्रैक्टिस भी करवा कर लेनी पड़ेगी। तो अभी हम कौन से फेज में है? एडमिशन ऑफ द पार्टनर का प्रैक्टिस फेज में हम, ठीक है? तो आप मुझे बताना कि ये एडजस्टमेंट आती है, ये आती है, ये आती है, और फिर हम क्लास में मैं सॉल्व करने के लिए लूंगा, और आपने फिर भी कोशिश करना कि आप अपने आप से कर रहे हो। क्लैरिटी है तो पढ़ो। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस 3/4 and 1/4। इजी। एज एट 31st March 2021 फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। नाउ यू हैव गॉट कैपिटल अकाउंट ए बी क्रेडिटर्स जीआर। जीआर किधर जाएगा बेटा? नहीं ऐसा नहीं सिखाया मैंने, मैंने बोला ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, क्योंकि पार्टनर तो नया भी हो जाएगा ना। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर स्टॉक, बीआर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड ऑफिस। फिर दे एग्रीड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 लाख। आई लव यू एग्जामिनर। क्यों? डायरेक्टली दिए लाए बे, और क्या है, पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया। सी बोला आई एम अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर ई शेयर ऑफ गुडविल। क्या एंट्री सिखाई? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट ड्यू क्रेडिट फॉर गुडविल टू बी गिवन टू ए एंड बी फॉर देयर सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ सी थ्रू हिज करंट अकाउंट। हाईलाइट द लाइन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट नया आइटम आया है। सो बेटा जी आप गेनिंग पार्टनर में क्या करते हो, सीज कैपिटल टू ए टू बी, ऐसे ही करते हो ना। अब सी कैपिटल की जगह पे बोलोगे सीज करंट अकाउंट, क्योंकि आपको याद है कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होते, एक फिक्स कैपिटल और एक करंट, ए फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल में कैपिटल और करंट अकाउंट मेंटेन होता है नहीं? उन्होंने सिर्फ इतनी सी मांग रखी है आपके सामने, कैपिटल शब्द की जगह पे क्या वर्ड यूज करो, करंट अकाउंट। अपने को क्या दिक्कत है, कर देंगे। सी पेज 1,40,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। स्टॉक एंड फर्नीचर भी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्रोविजन फॉर 5% फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स भी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएसआर। एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी इज टू बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था बेटा, अगर कोई डेफिशिएंसी थी तो या सरप्लस था तो हमने कहां पर एडजस्ट किया था, कैश। इस बार कहां एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट, नॉट अ बिग डील। सो बेटा जी अब इसके अंदर बोले प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं, अपन क्या क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश, करंट अकाउंट भी बनेगा इसमें। क्या बनेगा? करंट अकाउंट। और क्या बनेगा? बैलेंस शीट। तो आ जाए, ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, भरोसा रखो मेरा, कर लो। इन द बुक्स ऑफ फॉर्म सर आउटस्टैंडिंग वेजेस का ट्रीटमेंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या पूछ रहा है बेटा, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है। लाइबिलिटी बढ़ी तो एंट्री वही आएगी ना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर पार्टनर्स कैपिटल, बेटा पार्टनर्स कैपिटल के बाद में इसी के नीचे और एक अकाउंट बन रहा है,
करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। ए बी सी। बेटा करंट अकाउंट एक एक्स्ट्रा बनाए तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये फर्स्ट टाइम बन रहा है। सो हमारे कौन से बन गए? रिवैल्यूएशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बन गया, पार्टनर्स करंट बन गया, अभी कैश बनाएंगे और बन जाएगा बैलेंस शीट। This is question number 20, page number 140 ऊपर का। हाँ सरकार रेडी है क्या आप? चलिए आ जाइए फिर। पहले क्या करें, एम्प्टी द बैलेंस शीट। बेटा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में से मैं बैंक अकाउंट बनाना चाहूंगा, तो मैं कैश की जगह पे क्या बनाऊंगा? बैंक अकाउंट। जनरली सारी ट्रांजैक्शन बैंक में होती है, मैं बैंक में कर रहा हूं। सो एम्प्टी द बैलेंस शीट करें बेटा। So, पहले आ जाइए आप, आइए बैलेंस शीट में और हम क्या लिखेंगे? कैश इन हैंड, ये डायरेक्टली लिख देंगे बेटा। बैंक को चेंज करेंगे 1,15,000। कैश एट बैंक कहां जाएगा बेटा? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम बिकॉज देर इज एन एडजस्टमेंट ऑन दिस। सो आई राइट डाउन सन्ड्री डेटर्स 1,60,000। देन यू हैव गॉट स्टॉक इनर कॉलम अगेन, आई विल राइट डाउन 2,00,000। देन बिल्स रिसीवेबल, आई डोंट थिंक सो देर इज एनी एडजस्टमेंट ऑन दैट। सो बिल्स रिसीवेबल 30,000 आउटर कॉलम। लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट 6 इनर कॉलम 2,50,000। ऑफिस फर्नीचर एडजस्टमेंट है क्या? हा क्या ऑफिस फर्नीचर 10,000 इनर कॉलम। गोइंग अहेड क्रेडिटर्स, देर इज नो एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स बेटा। कहां पे छपा है? ताई क्या खाई? पुराना वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे ना बाबू अपन, ऐसे पागल पागल जैसे बात करेगी।
वो इधर म्युनिसिपैलिटी वाले लोग घूमते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मुझे बताओ कितना आएगा, 2,85,000 और 1,55,000 हल्के हाथों से बाय जीआर। जीआर है 60,000, 60,000 को डिवाइड बाय करेंगे 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आएगा 45,000, 15,000। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर रेशियो आएगा 3:1। सरकार मुझे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालने की इच्छा हो रही है, चले। सो मैंने लिखा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नया पार्टनर कौन है, सीज शेयर 1/5, बैलेंस बच गया 4/5, बांट दो ए और बी में 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 × 1/5 बुम्बल तात्या काय करतो है? चार चार कैंसिल हो गया। हाँ नहीं सो बेटा जी, व्हाट इज न्यू पीएसआर? ए बी सी, एक आएगा बेटा 3/5, 1/5, 1/5। ओल्ड पीएसआर कितना आएगा, 3/4, 1/4। ये अपन न्यू नहीं रहे, ओल्ड माइनस न्यू करते ना यार, तुम तो जानते थे ना मैं, ठीक है मेरे से गलती हो जाए, तुमसे कैसे हो गई? ओल्ड 3/4, 1/4, न्यू 1/5 ना, नहीं 3/5, 2/5, 1/5। बीबी 1/5 है क्या? थ्री बाय 20 क्या, 1/20, 5/20, 4/20 क्या खा क्या है? सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। मैं चाहूंगा कि एक बार चेक कर लो मैथ्स है, संजीव क्या लिख रहा है यार, क्या लिख रहा है, शर्म नहीं आती? आर वी ऑल डन? ऑल राइट, एंट्री क्या होगी पांडे जी? सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। सो कितना है बेटा जी अमाउंट गुडविल का, 2 लाख, 2 लाख इंटू 4/20 और 2 लाख इंटू 3/20 और 2 लाख इंटू व्हाट, 1/20। फोर्टी थाउजेंड बेटा, और इसका कितना आएगा, कितना 30 और 10। बेटा अलग कलर का पेन है, निकालो फिर। और इधर सी के इधर डैश कर लिखूंगा करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। हु विल टेल मी व्हाई सीज करंट अकाउंट, व्हाई करंट अकाउंट पढ़ो तो जरा, कौन से एडजस्टमेंट बोलिए? फॉर देयर सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ सी थ्रू सीज करंट अकाउंट, तो सी के करंट अकाउंट टू ए टू बी कबूल है क्या? बस बात ही खत्म हो गई, फिर शुरू करें, आर वी रेडी? तो इधर मैंने जानबूझ के करंट अकाउंट का कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ सी का करंट अकाउंट हो गया, एग्रीड? तो चलिए राजा बेटा जी, अब हम पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं गुडविल की। सो आ जाइए गुडविल के एडजस्टमेंट करने के लिए करंट अकाउंट में आएंगे बेटा हम, और इधर लिखेंगे टू
इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल. बेटा ए इज कैपिटल 30,000 गया ना और बी का कैपिटल 10,000 गया. सी इज करंट अकाउंट टू ए टू बी किया था. अभी क्रेडिट कहां पे करेंगे? कैपिटल में बाय सी का करंट अकाउंट. ए के कॉलम में आएगा 30,000 और बी के कॉलम में आएगा 10,000. बेटा फर्क क्या ही पड़ गया यार, सिर्फ कैपिटल की जगह पे कहां से एडजस्ट कर दिया करंट अकाउंट में. टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर वन. एडजस्टमेंट नंबर टू, सी पेज 1,40,000 एज इज कैपिटल. कैन आई हैव द एंट्री? कैश टू कैपिटल मतलब बैंक टू कैपिटल बोलेंगे. सो कैन आई नॉट से बाय बैंक? कैन आई से 1,40,000? बेटा कैन आई हैव द सेकंड इफेक्ट प्लीज? I'll write down 2 C's capital. Please give me the amount 1,40,000. Do you all agree and accept this? Yes. Okay. Now, dear students, our revaluation shuru ho gaya. Stock and furniture be reduced by 10%. Come down to the balance sheet. Stock ko less karenge downward. Furniture ko less karenge downward. अमाउंट आएगी फर्नीचर की 1,000, आउटर कॉलम में आएगा 9,000, स्टॉक का 2,00,000 था करे, तो लेस करेंगे 20,000, आउटर कॉलम में आएगा 1,80,000. मुस्कुराते रहिए. प्रोविजन क्रिएट करना है, लेस प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट 5% बेटा जी. 1,60,000 इंटू 5% कितना आएगा? 8,000. 1,52,000. फिर लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय एड अपवर्ड 50,000. कितना जाएगा? 3,00,000. यस और नो? बेटा जी अब हम इसका इफेक्ट कहां देंगे? रिवैल्यूएशन. आ जाओ फिर रिवैल्यूएशन में. बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो सही बोल रहे हो तुम, 50,000. टू फर्नीचर मुझे याद आ रहा है 1,000. टू स्टॉक मुझे याद आ रहा है 20,000 और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मुझे याद आ रहा है 8,000. कमांड रहनी चाहिए फिगर्स पर. क्लियर? यप. हैं, अब क्या करते हैं? 50,000 माइनस 1,000 माइनस 20,000 माइनस 8,000, 21,000. सो टू पार्टनर्स कैपिटल, आपको नाम पता है उनके? ए और बी. 3/4 एंड 1/4. 15,750. 5,250. अभी कहां डाल देंगे इसको? सो हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,750 एंड 5,250. फिफ्थ एडजस्टमेंट तक हो गया हमारा. अब क्या बोला? कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इज टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पीएसआर. एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी इज टू बी ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट. बेटा नया पार्टनर कौन है? सी. सो सी को बेस बनाएंगे, फर्म का कैपिटल निकालेंगे, उसके बेसिस पर ए बी सी या ए बी का कैपिटल निकालेंगे. इज दैट ओके? सो आ जाइए मेरे पास. सीज कैपिटल कितना बेटा जी? सीज कैपिटल जितना मुझे पता है 1,40,000. सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट. बट सर ऐसा तो बोला नहीं कि सी का बेस लो. बेटा जी जो न्यू पार्टनर है उसी का बेस लेना होता है, ऐसा मैंने कल भी आपको बताया था बात. एग्रीड? और बेटा जी फर्म्स कैपिटल आएगा
1,40,000 into 5/1, you mean 7 lakh. अभी इसकी बदौलत यह पता चलता है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल और तुम्हारे पास न्यू पीएसआर है 3/5, 1/5, 1/5. सो बी का तो आएगा 140, सी का भी आएगा 140 और 1,40,000 इंटू 3, 4,20,000. हाँ जी, अभी क्या करने का है? कैन वी नाउ कम डाउन टू दी पार्टनर्स कैपिटल में आ जाए बेटा. सो आई विल राइट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन. ए का कितना है बेटा? 4,20,000, 1,40,000 एंड 1,40,000. बेटा पिछली बार जो बैलेंसिंग फिगर आया था वो कहां पे डाला था हमने? कैश में. इस बार चेक कर लो कहां पे डालने की बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट. सो बेटा सी का कुछ भी नहीं आ रहा है. ए का निकालिए, अभी आप मुझे बताइए. 2,85,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 15,750 माइनस 4,20,000, 44,250. तो इधर आएगा बाय करंट अकाउंट. ए के करंट अकाउंट में जाएगा 44,250. इधर आएगा टू करंट अकाउंट 45,250. बेटा ये बैलेंसिंग फिगर है, करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आया था. Are we all done so far? आनंदी बेटा मैं क्वेश्चन भी तो पढ़ रहा हूं ना. डेबिट वाली एंट्री करंट में और क्रेडिट वाली एंट्री कैपिटल में क्यों डाली? क्योंकि डेबिट वाली एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू रूट करने के लिए क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है. क्वेश्चन पढ़ बेटा. अब बेटा जी इसका इफेक्ट दे देता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इधर बाय कैपिटल अकाउंट और बी का कितना लिखूंगा 45,250 और इधर लिख दूंगा मैं टू कैपिटल अकाउंट 44,250. हा या ना? नाउ कैलकुलेट द बैलेंस बेटा. ए का बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 44,250 एंड 40,000 सी का, एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा 45,250. डज दैट टैली? हो गया क्या? आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी ये कहां जाएगा बेटा, ये फिगर कौन सा है? ये क्रेडिट बैलेंस है. ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट. और ये दोनों कौन से बैलेंस है? डेबिट. मतलब ए का और सी का इज अ डेबिट बैलेंस. क्लोजिंग क्रेडिट में लिखा मतलब कौन सा? डेबिट बैलेंस. तो वो असेट साइड में जाएंगे और ये वाला कौन से साइड में जाएगा? लाइबिलिटी साइड में. सो इधर आओ बैलेंस शीट में. पहले देखो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट है ना. ए बी सी. ए का आएगा बेटा जी 4,20,000
140,000, बी का, सी का आएगा 140,000। अब मैं लिखूंगा बी इज करंट अकाउंट, है ना, बी इज करंट अकाउंट। बेटा आपने मुझे बताया था क्रेडिट बैलेंस है 45,250 और करंट अकाउंट असेट साइड में आएगा ए का और सी का। ए का बैलेंस है 44,250 और बेटा सी का कितना है, 40,000। यू मीन 40,000, ओके। सर हम दोनों ही एंट्री करंट अकाउंट में डाल सकते हैं, डाल तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। बट अभी के लिए मैंने स्ट्रिक्टली जैसे क्वेश्चन नहीं किया वैसे किया, बट अगर आप डालना चाहो करंट अकाउंट तो भी ठीक है। हाँ रसगुल्ले बच्चों, अब मुझे कैश का बैलेंस निकाल के बताओ। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 250,000, डज दैट टैली? सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा इसका, ये बैंक अकाउंट है, कितना आएगा, 250,000। जरा एक बार चेक करेंगे टैली हो रहा है क्या, ओके वेरी गुड, 11,11,20,250। सर एक बात पूछो, क्वेश्चन में तो सिर्फ कैपिटल और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, बात सही है बेटा, बट इसके बावजूद सारे अकाउंट्स बनाए, क्योंकि अगर एग्जाम में आया सारे अकाउंट्स का तो आपको आना चाहिए। अब मैंने सारा बना दिया तो उसमें से कैपिटल और रिवैल्यूएशन तो आप बना ही पाओगे ना, क्या बड़ी बात है उसमें। अभी करंट अकाउंट भी बनाना है इसके अंदर, पर वो बोलते हो कैपिटल बोलते हो, अगर आप करंट अकाउंट नहीं बनाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, मेरे हिसाब से तो पूरा ही बना लो। आज तुम्हारी बहुत बैंड बजने वाली है। ये क्वेश्चन रिवाइज बिफोर एग्जाम, ये क्वेश्चन रिवाइज बिफोर एग्जाम कर पाएंगे? इसमें कोई क्वेरी बेटा, ऑनलाइन लाइव कोई क्वेरी? हुआ क्या सर टैली? आज कोई ब्लैक डे है क्या रे? कितने सारे ब्लैक पेन के आज, क्या बात है? आर वी रेडी? सुनो ना, इसके बाद के जो क्वेश्चंस ले रहा हूं वो प्रैक्टिस के, अभी वो आप करते हो नहीं करते हो वो आपका लुकआउट है। दोज हु वांट्स टू स्कोर रियली ग्रेट मार्क्स दे शुड डेफिनेटली ट्राई टू इंक्रीज देयर स्पीड। As long as concept is not taught, I am responsible. But अगर practice के लिए कोई चीज दी जा रही है वो आपको करनी पड़ेगी, तो उसका बोझ आप मेरे ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि practice के question दिए हुए हैं, practice के आपको करने पड़ेंगे, उसको मैं help कर दूंगा answer देकर। So question number 19 पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि इसको आप solve कर सकते हो क्या। Yes, नहीं बे, पहले पढ़, घाई मत करना लाइक, इसलिए तेरे को कहीं लेके नहीं जाता मैं। पढ़ो क्या लिखा है। रामू एंड मामू वर पार्टनर्स शेयरिंग 3-2, फिर देयर बैलेंस शीट। रामू मामू जीआर, जीआर कहां जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। लोन फ्रॉम एलएफसी, एम्प्टी द बैलेंस शीट। ट्रेड पेएबल, एम्प्टी द बैलेंस शीट। लैंड मशीनरी फर्नीचर ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंटरी और बैंक, आसान है। दामू को एडमिट किया गया 1 अप्रैल को। ही शैल ब्रिंग 1,50,000 एंड गुडविल। वाओ, तो मुझे बताओ कैपिटल कितना, दोनों का मिलाकर दिया है, हा या नहीं? तो गुडविल भी किसमें आई, कैश में आई है, बट गुडविल का फिगर नहीं दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, आप गुडविल का वर्कआउट करोगे, गुडविल नीचे कहीं तो दिया जाएगा, फिर आप क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर
टू सैक्रिफाइसिंग। इधर कैश नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि कैश और कैपिटल और गुडविल दोनों एक साथ आ गए। देखो मैं याद करके बताता हूं एंट्री। गुडविल ब्रॉट इन कैश, सुनो ना, ब्रॉट इन कैश। मैंने एंट्री क्या सिखाई? कैश टू सैक्रिफाइसिंग, लेट से टू ए टू बी, चलेगा? अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी एंट्री अलग कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, कैश टू सी। उन्होंने बोला ना गुडविल एंड कैपिटल इज ब्रॉट इन कैश, बोला है ना, और हमें दोनों का फिगर अलग अलग नहीं दिया, तो अब मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूंगा, कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, लेट से सीज कैपिटल, एग्रीड? अब हम क्या करेंगे बेटा जी, सी टू ए टू बी, फील करो बेटा, ये सी सी गॉट कैंसल्ड, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या हो गई, कैश टू ए टू बी, कबूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो राजा बेटा जी, इधर फिर हमारी एंट्री क्या करनी पड़ेगी हमें, ये एंट्री तो हो गई है, क्योंकि देखो उन्होंने क्या बोला है, He shall bring 150 as capital and goodwill. तो इसकी फर्स्ट वाले की एंट्री क्या करूंगा मैं, इधर की मैं बोलूंगा कैश टू कैपिटल, बोलो भाई आया नहीं, क्या एंट्री करी मैंने, कैश टू कैपिटल, किसका कैपिटल बेटा जी, कौन, दामू, कैश टू दामू, दामू कैपिटल। एक बात बताओ तो सही, कैश में गुडविल और कैपिटल दोनों आ गए ना, और दामू कैपिटल में हमने डाल दिया, मतलब बेटा गुडविल का पैसा भी कहां डाल दिया, कैपिटल में। अब कैपिटल में डाल दिया तो फिर एंट्री क्या कर सकते हैं हम, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। समझे कि नहीं समझे, आर यू श्योर, पक्का काम करते बच्चे, इससे घूरते असल जर्नल एंट्री में, कैश टू कैपिटल, कैन आई से वन लैख, वन लैख, ये क्या है बेटा जी, कैपिटल है, किसका कैपिटल है, सी। बहुत फालतू कॉन्सेप्ट है, जबरदस्ती तो मेरी जान खा रहे हो, ये कैपिटल आया क्या? फिर आप मुझे बताओ गुडविल, मान लेते हैं गुडविल की एंट्री आएगी कैश टू ए टू बी, तो मैं बोल दूंगा 50,000, 25,000, 25,000, एग्रीड? ये दो एंट्री होनी चाहिए थी, हम जैसे रेगुलर करते हैं। अगर मान लो एग्जामिनर खड़ूस है, साला बोलता ही नहीं है कि कैपिटल कितना है और गुडविल कितना है, मेरे को बोल रहा है कैपिटल और गुडविल 1.5 लाख है, तो कैश 1.5 लाख आई, ये देखो 1 लाख और 50,000, और हमने पूरा का पूरा किधर डाल दिया, टू सीज कैपिटल 1,50,000, बराबर है क्या, नहीं है? अब मेरे खरबूजे, फिर मैं क्या करूंगा, सी टू ए टू बी, कितना आ जाएगा बेटा जी, सी 50,000, 25,000, 25,000। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है क्या, कि अगर मैंने पूरा पैसा किधर डाल दिया, कैपिटल में, तो अब मैं कैश टू सैक्रिफाइसिंग नहीं बोलूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्लिक हो रहा है क्या? तो अब मुझे बताओ इधर क्या क्या चीजें बोली उन्होंने, कैपिटल और गुडविल कितना है बेटा जी, 1.5 लाख, हम एंट्री क्या करेंगे, कैश टू दामू, तो गुडविल भी दामू के कैपिटल में चली गई और कैपिटल भी कैपिटल में चला गया, हाँ नहीं? अब बेटा जी मुझे गुडविल की एंट्री करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो बेटा जी हम ये एंट्री लिख कर ले ले, इधर इधर दो एंट्रीज होगी, पहली एंट्री क्या करेंगे, कैश टू दामू, और दूसरी एंट्री क्या होगी, दामू टू सैक्रिफाइसिंग, वो पता नहीं कौन है, मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। समझ गए क्या? गुड वन, फर्स्ट वाला बेटा, ही शैल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम रामू एंड मामू। तो न्यू पीएसआर निकाले, पहले ओल्ड पीएसआर कितना है, 3/2 है ना, जरा मेरे साथ ये लिखो, रामू मामू दामू, ओल्ड पीएसआर कितना है बेटा, 3/5, 2/5, न्यू रेशियो में कितना है, नहीं नहीं 1/5 बोला है, दामू एक्वायर्ड 1/5, बराबर है। I want everyone pin drop silence and attention here. आपको भी ढेर सारा प्यार बेटा पुणे से, ROC, यहां तक ठीक है बेटा। अगर मैं बोलूं I want 2 chocolates from you, तो मैं तुमसे 2 लूंगा, डायरेक्टली तुम्हारे शेयर में से कितना माइनस हो जाएगा, 2। देखो 2 शब्द है, एक फंक्शन ऑफ ऑफ और एक होता है फ्रॉम। जब कोई व्यक्ति बोलता है फ्रॉम, तो डायरेक्ट माइनस करो,
ऑफ बोला तो मैं, अगर तुम्हारे बोलो मैं तुम्हारी नेटवर्थ का, मैं तुम्हारी नेटवर्थ का 20% लूंगा. सो आई विल से आई वॉन्ट 20% ऑफ यू, मतलब उसका जो है उसका 20%. यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो दामू है उसको कितना चाहिए, 1/5. और ये 1/5 रामू और मामू दोनों ने आधा आधा सेक्रीफाइस किया है. पढ़ो, ही शैल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम रामू एंड मामू. तो बेटा जी अब ये 1/5 जो है ना, इसका आधा और इसका आधा ये किससे लेगा, ये रामू से, और ये किससे लेगा, मामू से. मैं बोल रहा हूं 1/5 का आधा, समझ रहे नहीं समझ रहे, 1/5. अभी उसको कितना चाहिए, 1/5. अब इसको 1/5 चाहिए तो 1/5 का आधा लेगा रामू से और 1/5 का आधा लेगा किससे, मामू से. तो दोनों का आधा आधा मिलाकर इसके पूरा कितना हो गया, 1/5. एग्रीड? तो राजा बेटा जी कैन आई नॉट से इसका आधा कितना है 1/5 का. जो बच्चे समझ पा रहे हैं उनको बता देता हूं, ये हो गया 1/10 और ये हो गया 1/10. 1/5 का आधा कैसे करेंगे, 1/5 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1/10. अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/5 का आधा 1/10 है. सर ये समझा कि नहीं समझा, मैथ सही है पक्का? ओ भाई पक्का क्या है, ये देखो ये 1/5 का, 1/5 का 1/2 आधा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/10. बोम्बल ये प्रॉब्लम है ना, अकाउंट्स की नहीं है, ये आधा हुआ ये आधा. हाँ मैथ्स की प्रॉब्लम, मेरी थोड़ी ना साले, मैं कहां तक इसको झेलूं अभी. 3/5 माइनस 1/10, 2/5 माइनस 1/10, सॉरी कुटना लो 1/10. अरे दामू को कितना चाहिए, 1/5. फिर वो क्या बोल रहे हैं, जो मेरा 1/5 है वो आधा रामू देगा, रामू का आधा नहीं ले रहे है. मेरा जो है ना उसका आधा मैं रामू से ले रहा हूं, ऐसा ही बोला ना, मुझे कितना शेयर चाहिए, 1/5. 1/5 का आधा किससे लिया मैंने, रामू से, रामू का आधा नहीं कर देने का उधर, समझे. तो सांगा माला कितनी होता है, 6/10 तो हो गया, तो ये आएगा 6 - 5/10 आए क्या, तो ये आएगा 5/10, ये आएगा 3/10 और ये आ जाएगा 2/10. सर 2/10 कैसे, 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं क्या, ठीक है लिख लो न्यू पी सर. नाउ आर वी डन? नाउ बेटा जी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं. सो बेटा जी ओल्ड रेशियो पहले क्या क्या नाम आएगा, रामू मामू दामू. सो बेटा जी कितना आएगा, 3/5 और ये कितना आएगा, 2/5. न्यू कितना आएगा बेटा जी, ये ओल्ड 5/10, 3/10, 2/10 है बेटा. सो 6/10 माइनस 5/10 इज 1/10 सेक्रीफाइसिंग, 1/10 सेक्रीफाइसिंग और ये पैसा गेनिंग है 2/10. इफ वी आर ऑल डन शैल वी रीड इट फर्दर नाउ. ओके बेटा अभी देखते हैं हम कहां तक पहुंचे.
इस क्वेश्चन में बेटा आप मुझे बताओ, क्या आपको पहले वाले केस में कैपिटल और गुडविल दोनों एक साथ आई है? तो हमारी एंट्री होगी कैश टू कैपिटल, दामूज कैपिटल, फिर दामूज कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग, दैट इज व्हाट, रामू एंड मामू, 1/10, 1/10 आ जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म ये इधर दिया है 250, तो मैं आपको अभी फिगर बता देता हूं, 250,000 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा, 25,000। मैं एंट्री बता दूं क्या क्या होगा, दामू 50,000, टू रामू 25,000, टू मामू 25,000, क्योंकि गुडविल कितनी है, 250,000 पूरे फॉर्म की है क्या, और तुम्हारे पास गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 1/10, 1/10, 2/10, चेक कर लो ना, अभी तो रेशियो निकाला, रामू का कितना है 1/10, मामू का कितना है 1/10, दामू का कितना है, तो चलो जल्दी से अभी पहली वाली एंट्री बता दो, कैश टू दामू कितनी आएगी, ये कैपिटल और गुडविल के टुगेदर, कैश टू दामूज कैपिटल 1,50,000, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, दामू 50,000, टू रामू 25,000, टू मामू 25,000, अरे क्लियर है मेरे बच्चे, एवरीवन एक और बार बता दो, कैश टू कैपिटल कितना करेंगे, दामूज कैपिटल 150, उसमें कैपिटल और गुडविल दोनों आ गए क्या, अच्छा तुम्हें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता है, गुडविल पता है, गुडविल का 250 इंटू कर लो 2/10, 50,000 आएगा, बराबर है, सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी फिर, दामू टू रामू टू मामू 50,000, 25,000, 25,000, ओके। नाउ बेटा जी फोर्थ, लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 50%, इन्वेंट्री टू बी रिवैल्यूड एट 60,000, ये कर पाएंगे, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, डेटर्स ऑफ 2,800 आर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स एंड अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट शुड बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स। अगर कल आपको याद होगा तो पहले हम डेटर्स में से क्या लेस करते हैं, बैड डेट्स, फिर क्या क्रिएट करते हैं, आरडीडी, और जो भी फिगर आएगा वो दोनों ही कहां जाके हिट करता है, रिवैल्यूएशन, बट ध्यान से सुनना, पहले क्या लेस करेंगे, बैड डेट्स, फिर क्या क्रिएट करेंगे, आरडीडी। एक काम करो मुझे बताओ डेटर्स का फिगर कितना है, 42,800, मुझे आरडीडी कैलकुलेट करके बताओ आप, मुझे आरडीडी कैलकुलेट करके बताओ बेटा, 2000, एब्सोल्युटली राइट। तो पहले क्या किया बेटा जी, 42,800 माइनस क्या किया, 2,800, बचा कितना 40,000, फिर आरडीडी कितना करना है, 5%, कितना आएगा 2000, सो आरडीडी इज 2000, बैड डेट इज 2,800, दोनों ही कहां हिट करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में और डेटर्स में से क्या लेस, पक्का, ओके। फर्नीचर टू बी रिड्यूस टू 40,000, बेटा मुझे बताओ क्या ये आएगा क्या, अब आगे, आफ्टर एडमिशन ऑफ दामू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर पीएसआर टेकिंग दामूज कैपिटल एज बेस, क्या ये भी चीज पढ़ाई है क्या, सो बेटा जी अगर मैं इस प्रॉब्लम को करता तो मैं सिर्फ इस पूरी चीज को हाईलाइट कर न्यू पीएसआर और बस इतना ही देखता, बाकी की चीजें आसान है इसमें, तो मैं कौन सी एंट्रीज थी वो लिख कर दे देता हूं, कैश टू दामूज कैपिटल कितना आएगा 1,50,000, फिर न्यू पीएसआर तो मैंने निकालना सिखा दिया आपको, और फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाला मैंने, तो मेरी एंट्री आएगी दामू टू मामू टू रामू 1,50,000। जीवन में एक चीज मुझे पता है, क्लासेस पैसा सब लगाते हैं, मेहनत करने से लोग पीछे हटते हैं, अगर मेरी बात मानो और अगर खुद के अंदर कुछ दम है तो रोते मत आना, बाकी मुझे पता है मेरे को अभी वो फीलिंग आ गई है कि पैसे लिए मैंने, मेरे को करना है, मैं होमवर्क दिखा दूंगा, बट मैं अगर तुम्हारा भला चाहता है और अगर एक जेन्यून अंदर का टीचर आपको अगर कुछ बोले तो मेरा भरोसा मानो, मेरा दिल साक्षी रखकर बोलता हूँ कि मैंने आपको हर चीज बता दी है इसकी, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करते हो तो गड़बड़ आप कर रहे हो, बिना सॉल्व किए आओ और आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कर क्या हो और आपके अंदर डेवलपमेंट होगा। सो राजा बेटा जी इतने समय तक मैंने ही किए क्वेश्चन, कल एक क्वेश्चन होमवर्क था, नाउ टुडे दिस इज ऑल्सो एन होमवर्क। सो अभी तो कौन से क्वेश्चन होमवर्क हुए, नहीं 19th हुआ है कभी, है ना, इसके पहले कौन सा दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 126 और 19
139 बराबर है। ये सारे क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन है बेटा। नाउ कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 34। एक लाख कैसे लेगा रे, कैश तुझे 1.5 लाख है ना। अरे तर मग केलं ना इकडे, रिवर्स केली की मग पुन्हा काय? नहीं नहीं वो कैपिटल आपका 1 लाख ही आएगा फिर ऑटोमेटिक। ये बच्चा क्या पूछ रहा है कि जब तीनों का कैपिटल प्रोपोर्शनेट करेंगे तो किसका बेस लेना है? दामू का। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दामू के कैपिटल को क्रेडिट आएगा 150, ये दिख रहा है पहली वाली एंट्री, और डेबिट आएगा दामू को 50,000 बराबर है दामू। ये बच्चे ने क्वेश्चन ये पूछा कि जब हम कैपिटल प्रोपोर्शनेट करेंगे तो कैपिटल कितना लूं, 1.5 लाख लूं या 1 लाख लूं। मैं आपको पूछता हूं कैपिटल कितना है, 1 लाख है कि 1.5 लाख है? फिर अपने दिल से पूछो कैपिटल 1 लाख है कि 1.5 लाख है? भाई 1.5 लाख कैपिटल और गुडविल थी, कैपिटल तो अभी निकाला ना, फिर कितना आ रहा है 1 लाख। तो किसको बेस लेंगे आप? 1 लाख को। नाउ आई होप दिस सॉल्व्स द प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि कैपिटल कितना है। सो कैपिटल इज एक्चुअली 1 लाख। मेक सेंस? ऑलराइट रसगुल्ले, क्वेश्चन नंबर 34। होमवर्क। अच्छा ठीक है मत करो, ये मैं नहीं करने वाला यार एडिशनल क्वेश्चन बैंक, मैंने बताया था वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तुमको अभी कब प्रैक्टिस करना है तुम डिसाइड करो। मेरे हिसाब से एडमिशन होने के बाद में एडमिशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तुम ज्यादा विद्वान हो तो तुम डिसाइड करो तुमको कब करने के। तुम एग्जाम के पहले कर लेना 1 दिन पहले, बिकॉज यू आर केपेबल इनफ। मतलब जब एग्जाम में जाना है तब चालू करेंगे प्रैक्टिस अपन, है ना? गुड। अच्छा सुनो, 34 तुमको करना है तो करो, योर कॉल। ये करना है तो करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। बट 35 मैंडेटरी है क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन है। 35 करोगे कि नहीं करोगे? और 39 तुमको देखना है तो देख लेना, टाइम पास, योर कॉल। मेरी तरफ से 3 क्वेश्चन दिए मैंने, जिनको प्रैक्टिस करने 2 एक्स्ट्रा और दे दिए, जिनको प्रैक्टिस नहीं करने की 3 में ही सल्टा नहीं गया। तो कौन से दिए? 19, 5, 35। मैं चाहूंगा, टाइम तो हो गया खत्म, बट एक बार देख लो कि ये क्वेश्चन हो पाएगा क्या। बच्चों जाते जाते एक बात पूछूं क्या, मेरी जिम्मेदारी क्या है मेरी पढ़ाने की, कॉन्सेप्ट समझाने की? अगर इन क्वेश्चन में कोई नया कॉन्सेप्ट मिल गया तो मेरी जिम्मेदारी। मैंने प्रैक्टिस भी ज्यादा करा दी, और जितने क्वेश्चन तुम करोगे उससे ज्यादा मैंने किए हैं। तुम जाके हिसाब लगा लेना घर पर, मैं बोल रहा हूं ना मैंने किए तो मैंने किए। अब एग्जाम में पेपर तुम लिखने जाने वाले हो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें बिना देखे आनी चाहिए? हाँ या नहीं? तो इसकी प्रैक्टिस करना है तुम्हारा दायित्व है, करो। इज दैट ओके? जो प्रैक्टिस करेगा वो फेल नहीं हो सकता, ये मैं वचन दे रहा हूं। और तुम प्रैक्टिस मत करो, आगे का मैं नहीं बोल रहा हूं। समझदार को इशारा काफी। पैसे चाहिए ना? नहीं तो भीख नहीं मांगने का, भीख नहीं मांगने का। और भीख कौन मांगते मालूम है ना? जब अपने को कुछ आता नहीं फिर भी बोले मेरे को देना पैसे, वो भिखारी। तो कमाने का, और कमाने का तरीका स्टूडेंट्स लाइफ में क्या, मेहनत करने का, करके आने का, मस्ती करने। प्रेम से बाय बाय बोलो, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।